खाली बोलना है, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कमल का फूल है, फुलाता है फल देता नहीं है, ऐसे फूल को मैं क्यों चाहे? अरे उस फूल के चाहे, जैसे गुलर का फूल फुलाता है कोई देखता नहीं लेकिन फल सब कोई देखता है, वैसे फल को चाहिए। वैसे कटहल को चाहिए जैसा कटहल है कि फलता है तो बड़े बड़े फल देता है। हम ऐसे गुणवान सर, पंचायत पंचायत का चुनाव है, आपने कमल का नहीं, विकास तो हुआ होगा उनकी नज़र में, लेकिन जिन लोगों को कॉलोनी मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना था उनको मिल रहा है, और उनसे भी राशि ली जा रही है। चापाकल का मामला भी उसी तरह का, अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों में विभिन्न छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जनता को भटकना होता। क्या लग रहा सर? नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जीटीवी बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अभी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि। इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले इनसे पर्चे भी जानना चाहेंगे। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़, किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं रह चुका हूँ दो बार पंचायत समिति के छोटे से पद पे जी, और मेरी पत्नी भी एक बार रह चुकी हैं, क्योंकि महिला सीट जानना चाहेंगे जो प्रत्याशी उनका और आपका जी, वह चूंकि महिला सीट हम लोगों के यहाँ, तो जो मुखिया के प्रत्याशी हैं मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में और पति के रूप में आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम मिनाजुद्दीन खान। कब अपने पंचायत समिति रहे थे? यहाँ पर लगातार पिछले तीन बार से 15 साल से दो बार मैं स्वयं रहा हूँ, और वर्तमान समय में महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी है पंचायत समिति की सदस्य, ये पहली बार निखत जबी। क्या लग रहा सर, इस बार चुनाव मुखिया पद से लड़ रहे हैं तो सर किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? यहाँ पर सर अब तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है कॉलोनी में, गरीबों से दोहन शोषण उनका पैसा किया गया, चापाकल के नाम पे पैसा लिया गया, अन्य प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं और इस तरह की चीज़ों से मैं हमेशा किनारे रहा हूँ। मेरे अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में और सामाजिक जीवन में हमने इस तरह का कोई काम आज तक नहीं किया है। जी, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, पर जो भी वर्तमान मुखिया है उनका कहना है कि पंचायत में काफी विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास तो हुआ होगा उनकी नज़र में, लेकिन जिन लोगों को कॉलोनी मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना था उनको मिल रहा है, और उनसे भी राशि ली जा रही है। चापाकल का मामला भी उसी तरह का, अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों में विभिन्न छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जनता को भटकना होता। क्या लग रहा सर, पूरे पंचायत के सभी गांव से आपको समर्थन मिल रहा है? सभी गांव से, सभी वर्गों से, सभी जात के लोगों का समर्थन प्राप्त है, और ये आशीर्वाद आज कोई नया नहीं है, निरंतर 15 साल तक मैं रहा हूं और उसमें सभी वर्ग के लोगों का, सभी जात और धर्म के लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने धरहरा पंचायत के वासियों से जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि जात और धर्म और मुर्गा मछली और पैसा कौड़ी के झांसा में नहीं आकर के एक अच्छे प्रत्याशी को वो लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग करें। जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि 15 साल से जनता को सेवा करते आ रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इन्होंने ठीक कहा है, पंचायत समिति रहते सेवा किए थे, विकास किए थे। जी जी जी, क्या क्या असल पंचायत समिति एक छोटा सा पद है, उसमें सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है, समझे? इसलिए इन्होंने सोचा कि मुखिया बनकर सेवा नहीं आप लोग के लिए की है, नहीं नहीं, सेवा बहुत हुआ है, सेवा जो होना चाहिए उससे अधिक सेवा हुआ, ऐसा नहीं है, मगर छोटा मोटा पद पर इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आप लोगों का जो उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? जी 110% खड़े उतरेंगे, ये जनता के विश्वास जी सर, जरूर उतरेंगे। सर, आप वरिष्ठ हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं 50 सालों से देख रहा हूँ जी, कितने मुखिया हैं, कितना मुखिया गए, खाली बोलते गए जी, करना तो कुछ है नहीं, खाली बोलना है, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कमल का फूल है, फुलाता है फल देता नहीं है, ऐसे फूल को मैं क्यों चाहे? अरे उस फूल के चाहे, जैसे गुलर का फूल फुलाता है कोई देखता नहीं लेकिन फल सब कोई देखता है, वैसे फल को चाहिए। वैसे कटहल को चाहिए जैसा कटहल है कि फलता है तो बड़े बड़े फल देता है।
हम ऐसे गुणवान सर पंचायत पंचायत का चुनाव है, आपने कमल का इशारा दिया फिर हाथ से भी इशारा दे रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस को बात जी नहीं सर, ये गुण है, ये रामायण में कहा गया है, जैसे श्री राम जी कहते नहीं थे करते थे, वैसे आज हमारे महाराज बाबू हैं, ये आप किसी से पूछ सकते हैं, कहते कुछ नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। क्या किए हैं सर, क्या करके दिखाए हैं, क्या क्या करके दिखाए हैं? ये सर घरेलू मामला हो, सास पुत्र का मामला हो, लड़का लड़की का मामला हो, किसी प्रकार लाठी लठोस का मामला हो, खेती का लड़ाई झगड़ा के मामला हो, उसमें जहाँ पर गए तहीं पर ही फैसला हुआ, जहाँ पर नहीं गए तहाँ पर फैसला नहीं हुआ। और वर्तमान मुखिया है वो? वर्तमान में सर खाली बोतल पीते थे, कहा ठीक है ठीक है। ए चाची थोड़ा गलती हो गया, उम्र हो गया खत्म ने, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे नहीं है, ये ठीक है कहो, एक बात मंत्र हाथ जोड़े गोल पड़ो बच्चे मान तो तू ऐसे हाथ गोलवा। क्या लग रहा पूरे पंचायत से इनको समर्थन मिल रहा है? सर 100 से ज्यादा प्रसंग रखिए, हमारा विचार तो है कि ये जीत में शपथ ग्रहण पहले होना चाहिए, रिजल्ट पीछे होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप युवा हैं, युवाओं के लिए अभी तक क्या कुछ किए हैं? सर जो हो चुके हैं इनसे बहुत अच्छा काम किए हैं सर, बहुत अच्छा काम किए हम लोग के लिए, कभी भी वैसा अगर हम लोग का जरूरत पड़ा कोई सभी सपोर्ट के लिए बहुत सपोर्ट किए हम लोग के लिए। आप लोग के किए हैं अभी तक? सर पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत सारे सपोर्ट किए हम लोग के सर, सर जी सर पंचायत समिति में रह के सर जी सर कहीं न कहीं सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, युवा हैं बुजुर्ग हैं और इनके समर्थन में महिला भी हैं, जैसा कि इनसे बातचीत में इन्होंने बताया था कि सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। तो देखना यह है यहाँ पे 10वां चरण में 8 दिसंबर को मतदान है, तो देखना यह है कि कितना समर्थन इनको मिलता है। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहे जेटीवी बिहार न्यूज। जिंदाबाद।